नीट निकालना है, कुछ और करना है लाइफ में, कुछ और करना है। सोच लो एक बार अच्छे से कि नीट ही निकालना है। एकेडमिक सक्सेस इज नॉट द ओनली सक्सेस इन दिस लाइफ बेटा, इसके सिवा भी बहुत से तरीके हैं जीवन में सक्सेसफुल होने के। अगर नीट ही है जीवन में तो इसके लिए सच्चे दिल से आ जाओ, और कुछ और है तो इसको छोड़ दो। यहाँ आप में से जितने लोग हो सबका यही प्लान होगा कि मेरे नीट में कम से कम 680 नंबर तो आए ही आए, मिनिमम आप 680 नंबर सब लोग टारगेट कर रहे होंगे, क्योंकि आपके आते आते तो आपको ही पता है 680 नंबर बहुत बड़ी नंबर तो रहेंगे नहीं। जिस हिसाब से नीट के परीक्षा में, नीट की परीक्षा जो आप देने जा रहे हो, जिस हिसाब से इसमें हाई स्कोर बढ़ते जा रहे हैं, कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, मेरे ख्याल से सभी लोग यही चाहते होंगे कि 680 मिनिमम आए। जो आपके पास सबसे बड़ी धनराशि है जिसको आप खर्च नहीं भी करना चाहोगे और वो खर्च होती जाएगी, वो है समय। कितना भी कोशिश कर लो, आप किसी भी तिजोरी में बंद कर लो, ये समय ऐसी चीज है ना, बहुत तेजी से अपने हाथ से निकलता जाएगा। लगभग ज़्यादातर जो बच्चे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो मध्यम वर्गीय घर के होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली या उससे भी नीचे से होते हैं, है ना, मतलब आर्थिक रूप पे बहुत ही मजबूत नहीं होते हैं, है ना। अब आपके पास जीवन में बहुत सारे पैसे नहीं हैं, कहीं ना कहीं हो सकता हो आपके पिताजी भी इतने सारे पैसे ज़िंदगी में नहीं कमा पाए, और ये सच है। पर हाँ, आपकी परवरिश में उन्होंने जो कर सकते थे उन्होंने बेस्ट किया, आपको सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, आपको सबसे अच्छी कॉपी किताब खरीद के दी, सबसे अच्छे कपड़े पहनाए, अपनी सारी इच्छाएं मार के आपके लिए सारी चीज़ें त्याग किया और आपको इस तरह की कोचिंग भी ज्वाइन कराई। बहुत सारे पैसे तो आपके जीवन में है नहीं, सबसे कीमती चीज़ जो आपके पास जीवन में इस समय है वो क्या है, वो क्या चीज़ है जिसको आप खर्च नहीं भी करना चाहते हो तो बेटा वो खर्च होती जा रही है, समय। पैसा अगर मेरी जेब में है, मैं खर्च ना करना चाहूं तो वो खर्च नहीं होगा, पर समय खर्च होता जाएगा। जिंदगी के 3-4 साल आपको घिस के मेहनत करनी होगी, इतनी मेहनत करोगे ना, इतनी मेहनत करो ना कि आपकी हाथों की लकीरें बदल जाएं, आपकी माथे की लकीर बदल जाए बेटा। इतना पेन चलाओ, इतना पेन घिसो कि आपकी हाथों की लकीरें भी मजबूर हो जाए बदलने के लिए। मन में आ ही रहा हो, इम्पॉसिबल। पिछले 2 साल से मैं तैयारी कर रहा था, 3 साल से, ये साल भी गया। इम्पॉसिबल टू क्रैक नीट फ्रॉम हियर, इट्स नॉट दैट। अपनी फोकस होना चाहिए, आज क्या डिसीजन लें जिससे ये चीज 1% इंप्रूव हो जाएगी, कल 1% और होगी, परसों 1% और होगी। अब देखो ये 1% बढ़ता है, आज वो 1% पे है, उसका 1% कितना हुआ 0.1, कल वो 2%, उसका 1% 0.2, कल को वो 10% हो जाएगी, उसका 1% 1% हो गया, जब वो 50% पे पहुंच गया उसका 1% 5%, तो इंप्रूवमेंट आपका ना ऐसे एक्सपोनेंशियली उठ रहा होगा। मैथ समझो इसके अंदर के। क्या हुआ कि आपने अपने जीवन के लिए जो लक्ष्य साधा था, जो आपने सोचा था कि आप डॉक्टर बनोगे, आप ये परीक्षा निकालोगे, या कोई भी आपने जीवन में एक लक्ष्य साधा था, वो लक्ष्य से आप क्यों भटक गए बेटा? ऐसी कौन सी चीज आई आपके सामने जो आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य से भटका के चली गई, और अपने जीवन का सबसे पहला सबसे बड़ा लक्ष्य आप बीच में छोड़ के जीवन में किसी और चीजों में अपना समय व्यतीत कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपके जीवन का कंट्रोल छीन कर अपने हाथों में ले लिया? ऐसी कौन सी चीज हुई बेटा जिसने आपके मस्तिष्क के ऊपर खुद कंट्रोल करना शुरू कर दिया? आप बहुत स्ट्रांग हो बेटा, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। एक बार आप शीशे की तरफ देखो, आपसे ही मैं बात कर रहा हूं बेटा, आप बहुत स्ट्रांग हो मेंटली। एक बार आप शीशे की तरफ देखो और खुद से बोलो, क्या मेरे जीवन का कंट्रोल कोई और ले सकता है? ले सकता है कोई? नहीं ले सकता। जीवन में जो करो ना बेटा, उस चीज को पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से, पूरी गंभीरता से करो, क्योंकि देखिए जीवन एक ही बार आपको मिलना है। अब तो आप बड़े भी हो गए, ये सब चीज़ें समझने भी लगे हो, छोटे बच्चे नहीं हो आप, 17 साल के तो हो गए, तो आपको ये बात तो अब समझ में आने लगी होगी कि ये जो जीवन मिला है ये एक ही बार मिला है, इसके बाद ना जाने क्या होगा, इसके बाद ना जाने क्या होगा। तो जो करना है इस जीवन काल में करना है। 17 साल जीवन के निकल गए आपके,
जीवन कितना लंबा होने वाला है पता नहीं, आप सबने मन में तो सोच रखा होगा कि कम से कम 90 वर्ष तो मैं जीऊंगा ही, अभी तो सिर्फ 17 साल गए हैं, पर कह नहीं सकते। ये बहुत ही कड़वी बात है, पर कब मृत्यु हमारा इंतजार कर रही हो पता नहीं, तो जरूरी है कि हर दिन को हम ऐसे जिए कि मृत्यु कल आने वाली है, और उस तरह से हर दिन को बेहतरीन बनाए। आज आप 17 साल के हो और पता नहीं चलेगा कब आप 17 से 25 साल के हो जाओगे, बेरोजगार, जीवन निकल जाएगा। फिर आप बोलोगे किस्मत में नहीं था मेरे, धूप में खड़े होगे कहीं, मजदूरी वाले काम कर रहे होगे, ऐसे माथा सिकुड़ के इस तरह से सर पे बहुत सारे ईंटे रख के मजदूरी वाले काम कर रहे होगे, और उसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है, इज्जत की बात है। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनके पिताजी ये काम करते होंगे, पर शायद उनको मौके नहीं मिले जीवन में अपने जीवन को और बेहतर बनाने के। आपको मौका मिला है कि आप अपने जीवन को आर्थिक रूप से और बेहतर बनाओ और इस तरह के मजदूर लोगों की मदद करो। इट्स द थिंग कि आप अभी इस फेज को झेलना नहीं चाहते हो, और इसको झेले बिना ये फेज नहीं आएगा, ये फेज आपको निकालना पड़ेगा। शायद इनिशियल 3 से 4 दिन आपके ये फेज वाले, 3-4 दिन आप बैठ के सुबह से शाम पढ़ाई करो जबरदस्त, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 4 दिन के अंदर देखो आपको बिलीफ आएगा अपने अंदर कि मैजिक इज गोइंग टू हैपन। तो सक्सेस और हार्डवर्क का जो ग्राफ है ना, वो बहुत अजीब सा है, वो ग्राफ यूं चलता है। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है इस ग्राफ में, मैक्सिमम लोग गिव अप करते हैं इस ग्राफ में, यहां पे इस जगह पे मैक्सिमम लोग गिव अप कर जाते हैं, और ग्राफ यूं उठता है। स्टार्टिंग में आप इतनी हार्डवर्क डालोगे और आपको कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं दिख रहा, और बाद में आपने इतनी हार्डवर्क डाली, ये इंप्रूवमेंट है ना, जिसका DY/DX से बढ़ रहा है ना, इसकी जो स्लोप है वो बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, इसकी स्लोप देखो कितनी तेजी से बढ़ रही है, ये रेट ऑफ चेंज कितनी तेज बढ़ रहा है। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेस आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगी।